झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस बार गर्मी की शुरुआत जल्दी होने की वजह से गेहूं की उपज में 20% की कमी आई है। साथ ही गेहूं का दाना भी पतला हो गया है, जिससे गेहूं का वजन भी कम हो गया है। गेहूं का उत्पादन घटने से बाजार में गेहूं की मांग बढ़ गई है। यही कारण है कि किसान गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेचने की बजाय सीधे मंडी में व्यापारियों को बेच रहे हैं। मौसम में बदलाव के साथ इसकी प्रक्रिया धीरी हो जाती है, लेकिन जब भी मौसम में अचानक कोई बदलाव आता है तो इसका असर खेत में पड़ी फसल पर नजर आने लगता है, क्योंकि ठंड से अचानक गर्मी पड़ने से फसल की नमी दूर हो जाती है और फसल सूखने लगती है, जिसकी वजह से जो अनाज धीरे धीरे तैयार होना होता है अचानक गर्मी के कारण उनकी नमी कम हो जाती है और दाना पतला सूखकर पतला हो जाता है और उसका वजन भी कम हो जाता है। एक और बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि इस बार सरकार ने छन्ना लगाकर किसान की फसल तौलने की शर्त रखी थी, इसलिए इस बार किसान ने समर्थन मूल्य की तुलना में व्यापारी को फसल बेचने अधिक सुविधाजनक समझा, क्योंकि किसान को बाजार में अच्छी कीमत भी मिली और फसल पर चना भी नहीं डालना पड़ा। गौरतलब है कि इस मार्च के अंत में चना और सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर शुरू की गई थी और 10 अप्रैल से जिले के 81 केंद्रों पर गेहूं की फसल की तुराई शुरू हो गई थी। समर्थन मूल्य पर गेहूं का भाव 2015 रुपये निर्धारित किया गया, जबकि चना 5,250 रुपये और सरसों 5,050 रुपये निर्धारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।